नमस्ते। स्वराज स्टैंडर्ड में आज हम बात करेंगे दलितों पर होने वाले अत्याचार को रिपोर्ट करने में अंग्रेजी मीडिया के दोगलापन के विषय पर। प्रायः मीडिया दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को उठाती है, लेकिन यही मीडिया तब शांत हो जाती है जब ये अत्याचार किसी विशेष समुदाय द्वारा किए जाते हैं। 2 महीने पहले बिहार के बेगूसराय में एक दलित परिवार ने पड़ोसी मुस्लिम परिवार पर हमले और रेप अटेम्प्ट का आरोप दर्ज किया था। साथ ही उन्हें कहा गया था कि हिंदू होने के नाते उन्हें ये मुस्लिम गांव छोड़ के चले जाना चाहिए। आप स्वयं पीड़ितों से उनकी आपबीती सुन लीजिए। रात 1 बजे 3 लड़का बंदूक पिस्तौल पर हमको सटाया, मेरी माँ को रेप कर ही लिया, मेरी बहन को रेप करना चाहा पर उसका कपड़ा फाड़ दिया था और हमको तार लगा के मारना चाहा, बोला जमीन बेच के यहाँ से चले जाओ, न तो हमको दे दो 16 लाख में, न तो यहाँ तो मारपीट का कि थाना से भी 1 सप्ताह छोड़ के तो मार देंगे हम लोग। इस मामले को किसी अंग्रेजी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, केवल स्वराज्य की एडिटर स्वाति गोयल शर्मा जी ने इसे रिपोर्ट किया था, लेकिन उन्हें सराहना के बदले आक्रोश झेलना पड़ा। आज हम स्वाति गोयल शर्मा जी से इस मामले और इसको देखने का मीडिया का नज़रिया इस पर चर्चा करेंगे। नमस्ते मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जब इस मामले को रिपोर्ट किया तो मीडिया ने आपसे किस तरह का व्यवहार किया या क्या रिएक्ट किया? Nishtha, as you rightly pointed out, I was perhaps the only, actually I was the only one from English media who reported this incident. The incident aaya tha mere paas kisi local contact ke through, aur local media isko cover kar raha tha, jo local Begusarai Hindi or regional news se. So I wrote about the allegations, aur maine, I made sure ki mere paas wo video form mein bhi ho, aur maine family se baat kiya. और उसके बाद ही मैंने ये केस ये रिपोर्ट फाइल किया। वो काफी वायरल हुआ, मतलब टोटल जो उस पे ट्वीट्स थे मेरे वो 15,000 तक उसका रीट्वीट्स रहा, द फर्स्ट ट्वीट 8,000 तक, लाइक इट वेंट क्रेजी वायरल। और यही रीजन था जो 2 दिन के बाद ठीक एक सेक्शन ऑफ मीडिया, इंग्लिश मीडिया की तरफ से मुझ पर अटैक शुरू हुआ। द रीजन फॉर इट वाज बेगूसराय पुलिस का एक ट्विटर हैंडल था, इनफैक्ट वो वेरीफाइड भी नहीं था, वो मतलब कोई भी था, लेकिन उन्होंने कुछ ट्वीट्स, तो उन्होंने ट्वीट्स में ऐसे लिखा कि सम पीपल आर ट्राइंग टू फ्लेयर अप एन इंसिडेंट बाय पेंटिंग इट इन कम्युनल कलर्स, और बोला कि ऐसा हम पास केस आया है लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी नहीं निकला है, दलित फैमिली से काफी एलिगेशंस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी सही नहीं पाए गए हैं। द क्लेम ऑफ द वेमेन अबाउट द रेप असॉल्ट, द पुलिस सेड कि वो देयर इज नो एविडेंस सजेस्ट द वेरासिटी ऑफ द क्लेम सो फार, और एक ट्वीट के आधार पर, हाँ, और उसमें एक और लाइन थी उन ट्वीट में, उसमें लिखा था कि क्रिमिनल हैज नो रिलीजन एंड क्राइम इज अ क्राइम, समथिंग लाइक दैट। You know, look at the tweets and you could see that they are done in haste and they are irresponsible. आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी investigation नहीं हुआ है, अभी और अब तब तक उन महिला का medical test भी नहीं हुआ था, and even then the police said नहीं नहीं कुछ उनके allegations हैं उसकी तो कोई पुष्टि नहीं हुई है। Of course, if you don't carry out the medical test, how will you even confirm it? और देखिए 2 दिन हो चुके थे उस बात को already, जबकि medical test जल्दी हो जाना चाहिए, कोई 2 दिन का वेट नहीं होता है उसमें। और एक ऑल्ट न्यूज एक वेबसाइट है, इनफैक्ट वो फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं, और उनका एक फाउंडर मोहम्मद जुबैर, ही टुक टू ट्विटर मीडिया टू ट्विटर एंड सेड कि देखिए स्वाति ने जो ट्वीट किए उनका उनके 15,000 रीट्वीट हो चुके हैं, लेकिन बेगूसराय का क्लैरिफिकेशन, यू नो क्लैरिफिकेशन, उनको सिर्फ 4-5 रीट्वीट हुए हैं, एंड आई होप पीपल हु आर फ्लेयरिंग अप, हु आर मेकिंग दिस अ कम्युनल इशू शुड बी अरेस्टेड। सी दिस वाज लाइक कॉल फॉर माय अरेस्ट, और अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मोहम्मद जुबैर ने जो इसमें ट्वीट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फैक्ट चेकर हैं, आप ऐसा क्लेम करते हैं, और अगर पुलिस कह रही है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ है, और पहली बात तो ट्विटर हैंडल वेरीफाइड भी नहीं है, और आपने सब उसको मान लिया, और जो
विक्टिम की वीडियो स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको आप कुछ नहीं मान रहे हैं, तो क्या आप विक्टिम को झूठ बताना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि दलित फैमिली झूठ बोल रही है? आपने पुलिस को ही क्यों क्लैरिफिकेशन का बोला और विक्टिम के यानी विक्टिम को भी आपने झूठा बोल दिया? तो एक तो अटैक मुझ पे था कि आप मेरे अरेस्ट के लिए एक कॉल दे रहे हैं, और दूसरा ये कि आप विक्टिम्स को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप लायर्स बोल रहे हैं। पुलिस ने इस मामले को थोड़ा अलग तरह से ट्रीट किया, क्या इसी प्रकार अंग्रेजी मीडिया के दूसरे पोर्टलों ने आपकी रिपोर्ट के बाद इसे रिपोर्ट किया? No, after my tweets, no. In fact, despite the fact that it went really viral, and despite the fact that there were video testimonies of the victims available on social media, which I had put down, और in fact मैंने तो अपील भी किया था अपने ही ट्विटर पर कि if anybody wants to cover it, I can share the details. Because I wanted that case to be highlighted because वो family really में vulnerable थी उस वक्त. Actually they continue to be vulnerable even today. किसी ने उसको केस उसको टेक अप नहीं किया और हिंदी मीडिया लगातार उसको रिपोर्ट कर रहा था because I was checking local editions of बेगूसराय वहाँ पर, तो उनको उसमें developments रोज आ रही थी, पर इंग्लिश मीडिया ने किसी ने टेक अप नहीं किया. हाँ, एक पोर्टल ने उसको टेक अप किया, उसका नाम है न्यूज सेंट्रल 24/7, बट दे डिड इट नॉट टू रिपोर्ट द दलित एट्रोसिटी केस बट टू रिफ्यूट इट. उनका हेडलाइन विलेजर्स रिजेक्ट स्वराज्य मैक्स कम्युनलाइजेशन ऑफ द क्राइम. उनका जो पर्पस था वो रिपोर्ट करने का, वो मेरी रिपोर्ट को रिफ्यूट करना था, विच इज फाइन. आई मीन इफ आई रिटन अ फॉल्स रिपोर्ट उसको रिफ्यूट कीजिए, बट टू देयर हॉरर दे फाउंड दैट द विक्टिम फैमिली स्टक टू देयर एलिगेशंस. विक्टिम फैमिली ने जो मुझे बोला था वही उनको बोला और एग्जैक्टली वही चीजें बोली जो कि इन्होंने लिखी थी अपनी रिपोर्ट में. फिर अब क्या करें, लेकिन क्योंकि पर्पस तो कुछ और था, तो देन दे टॉक टू फोर रैंडम विलेजर्स हु वर नॉट आई विटनेसेस टू द केस. अब देखिए ये केस रात को 1 बजे हुआ था और कितनी फैमिली ने देखा होगा, जबकि मुझे विक्टिम फैमिली ने बताया था और ये बात रिकॉर्ड पर भी है कि व्हेन दे वर बीइंग अटैक्ड नोबडी फ्रॉम देयर कॉलोनी नोबडी केम टू देयर रेस्क्यू, दे ओनली हैड टू फाइट द अटैकर्स आउट. और फिर आप दो रैंडम विलेजर से बात करते हैं और आप टोकन के लिए उसमें दो हिंदू लोगों से भी बात कर, उसमें लिखा हुआ है हमने दो हमने हिंदू विलेजर से भी बात करी, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया. पहली बात, इन्होंने आई विटनेस है, उनके सपोर्ट नॉन सपोर्ट का क्या फर्क पड़ता है? विक्टिम तो वही बात बोल रहा है जो उनके साथ हुआ है. और फिर उन्होंने इस तरीके से नॉन आई विटनेसेस से बात करके ऐसा रिपोर्ट लिख दिया. एंड लाइक इन हेडलाइन द दलित एट्रोसिटी वाज इन द न्यूज फॉर देम, अलेजेड कम्युनलाइजेशन ऑफ द क्राइम वाज, सो से आप इंटेंशन का पता लगा सकते हैं. एंड इंग्लिश मीडिया का वही रहा. इनफैक्ट इट्स नॉट अ सरप्राइज दैट द इंग्लिश मीडिया डिडंट टेक अप दीज केसेस. मैं ऐसे काफी केसेस कर चुकी हूँ और ऑलमोस्ट सारे केसेस ऐसे ही थे जो हिंदी मीडिया ने तो लगातार उनको रिपोर्ट किया था, बट नो नो इंग्लिश मीडिया टू पिक अप. आई मीन आई हैव डन अ दलित केस फ्रॉम हरियाणा जिसमें कि एक फैमिली ने ये कहा था कि हमारे मतलब दे वर द ओनली 7 फैमिलीज इन अ होल विलेज ऑफ मुस्लिम पीपल इन डू इन मेवात हरियाणा, एंड दिस सेड कि हम पर सस्टेन प्रेशर डाला जा रहा है टू कन्वर्ट टू इस्लाम. बट उस एलिगेशन को भी किसी इंग्लिश मीडिया ने रिपोर्ट किया, एक इंग्लिश मीडिया ने किया था, एक पोर्टल ने किया था, और उन्होंने भी यही काम किया जो इन्होंने किया था न्यूज सेंट्रल 24/7 ने. वो पोर्टल ने भी ऐसा किया कि उन्होंने लिखा कि दीज आर एग्जैजरेटेड क्लेम्स ऑफ कन्वर्जन आर एग्जैजरेटेड, लाइक ये आपका टेक अवे है. बाकी विक्टिम फैमिली ने तो उनको भी वही बात बोली थी जो और को बोली थी. तो दिस इज द एटीट्यूड. आई मीन एटीट्यूड इज पहले तो इग्नोर कीजिए, हो सकता है तो उसको बिल्कुल हाईलाइट मत कीजिए. इफ यू कैन नॉट इग्नोर देन प्ले इट डाउन, एंड इफ यू आल्सो लाइक यू नो कांट प्ले इट डाउन देन यू ट्राई टू रिफ्यूट इट. अगर विक्टिम अपनी बात खड़ा हुआ है तो फिर आप विलेजर से कहलवाकर उसको रिफ्यूट करवा दीजिए, नहीं तो आप विक्टिम उसको पुलिस का, जबकि मतलब पुलिस का हरिडली जो ट्वीट्स किए हैं उनके बेसिस पर आप उसको झूठ बता दीजिए, आप रिपोर्टर को कम्युनल बोल दीजिए, आप विक्टिम को लायर बोल दीजिए, ऐसे से करके उसके इस तरीके के केसेस को जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसको झुटलाने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है. हमने आज की चर्चा में पाया कि अंग्रेजी मीडिया जिस तरह से चल रही है उसे रिपोर्टिंग नहीं एक फिक्स नरेटिव को प्रमोट करना कहेंगे, क्योंकि वे लोग वही खबर उठाते हैं जो उनके नरेटिव को सूट करती है. पिछले कुछ समय में देखा गया कि लोग अंग्रेजी मीडिया से वर्नेक्युलर प्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि और जैसा स्वाति गोयल शर्मा ने बताया कि उसमें भी हिंदी न्यूज़पेपर्स ने इस मामले को रिपोर्ट किया था, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वर्नेक्युलर प्रेस ज़्यादा ऑथेंटिक है
और अंग्रेजी मीडिया से लोगों का दूर जाना इसी का कारण है? इस जवाब को हम अंग्रेजी मीडिया पर छोड़ देते हैं और देखते हैं आगे वे इसमें सुधार करते हैं या इसी ढर्रे पर चलते हैं। धन्यवाद।